हेलो एवरीवन, आज है 10 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसी दमदार कंपनियों के बारे में जिनके साथ सीधे सीधे मुकेश अंबानी जी का नाम जुड़ा हुआ है। पहली कंपनी है नेटवर्क 18 और दूसरी कंपनी है TV18 ब्रॉडकास्ट। इन दोनों कंपनी में जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो मुकेश अंबानी जी के पास है और दोनों ही कंपनियों के शेयर में बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खरीदारी करने का यहाँ पर सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू कर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेटवर्क 18 अभी 41 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, 28 लाख के आसपास का इसका आज वॉल्यूम ट्रेड भी हमें देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर देखने जाए नेटवर्क 18 के बारे में, अगर हम देखें तो आज आप देख सकते हैं कि शेयर में एक गिरावट आई थी, 38 रुपीज तक शेयर टूट गया था, लेकिन उसके बाद एक बड़ी रैली आई, सीधा शेयर उछल गया और सीधा 42 रुपीज 41 रुपीज के आसपास पहुंच गया। तो काफी बढ़िया रैली है, और पिछले एक साल में तो भैया वाकई में, पिछले 3 महीने की ही मैं बात करूं तो 3 महीने में इस कंपनी ने झंडे गाड़ दिए, डबल कर दिया पैसा। आप खुद देखिए कि 18 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, 15 अप्रैल को ये शेयर 18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज आप देखिए कहाँ पर है, 40 रुपए से भी ऊपर, पैसा बहुत ज्यादा कर दिया है। इवन 47 रुपीज तक भी ये शेयर पहुंच गया था, मतलब ढाई गुना पैसा कर दिया, ढाई गुना पैसा इसने कमा कर दिया है आपको पिछले 3 महीने में। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में भी आप देख सकते हैं कि 18 रुपए के, 16 रुपए के आसपास का इसने लो बनाया था, और आज आप देखिए कि 49 रुपीज तक का हाई भी ये बना चुका है ये शेयर। अभी वापस गिरावट आई है, लेकिन वापस एक तेजी की तरफ शेयर बढ़ता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। ऑल टाइम की अगर हम बात करें, मतलब जब से इसका आईपीओ आया तब से लेकर अगर हम अब तक की बात करें, तो एक वक्त था जब शेयर 550 रुपए तक भी ट्रेड कर रहा था, लेकिन पिछले 2003 से ये शेयर में कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। ऑलमोस्ट अगर आप देख सकते हो तो 2013 से, सॉरी 2013 से शेयर आपको 30 से 70 रुपए के रेंज में देखने को मिल रहा है। इवन सॉरी नीचे भी गया था, 16 रुपए तक भी गया था, ये कोविड के चलते हुए काफी बड़ी यहाँ पर गिरावट भी हमें देखने को मिल चुकी है। एक बहुत बड़े लेवल से ये शेयर टूटता हुआ नीचे जरूर आया है। टेक्निकल रेटिंग अभी काफी शानदार है इसकी, और तो और अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, 15% लोग बेचने की बात कर, 10% लोग होल्ड करने की बात कर, मतलब 85% लोग यहाँ पर पॉजिटिव है। उनका कहना है कि खरीदारी करो और खरीदारी की है तो बने रहो, पैनिक करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर इनके नतीजे भी आए थे मार्च क्वार्टर के, और वो काफी शानदार थे नतीजे। मार्च क्वार्टर में 95 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था, इससे पहले हालांकि 150 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इससे पहले 3 जो क्वार्टर थे उसमें कंपनी ने नुकसान हुआ था, तो इसीलिए पिछले 2 क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो काफी शानदार है। और अगेन हमें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि कंट्रोलिंग स्टेक मुकेश अंबानी जी के पास है इनकी, प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएल के पास पहले जो 4.05% की होल्डिंग थी, आज वो 3.15% की होल्डिंग है। और याद रखिए जब जून में ये अपडेट होगा तब तो आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी एफआईएल अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज की होगी। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 0.02% की होल्डिंग थी, आज 0% की, मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ नहीं डाला है, लेकिन जून में मुझे लगता है कि शायद कुछ बड़े फंड हाउस के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। एफआईएल जहां थे वही है, 1.27% की होल्डिंग, 1.27% के आसपास ही देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर एक और खबर के बारे में अगर हम बात करें, तो जिसके बारे में इस साल के शुरुआत में ही मुकेश अंबानी जी के द्वारा बताया गया था कि उनका जो प्लान है नेटवर्क 18 को लेकर, वो ये है कि उन्हीं की जो चार कंपनीज है, नेटवर्क 18, TV18, हाथवे और डेन नेटवर्क, इन चारों कंपनियों का मर्जर को लेकर प्लान था, सबको मिलाकर एक कंपनी बनाने का इनका प्लान था। और वाकई में अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि अगर एक कंपनी बन जाएगी तो उनके बाद इनके कुछ और प्लान थे, कुछ टेक्स टाइम्स ग्रुप को बेचने के भी प्लान थे। और एक और अगर प्लान की बात करें तो सोनी के साथ भी कोई डील इनकी चल रही थी, उसको लेकर भी प्लान थे। तो जिस तरीके से रिलायंस जियो में एक के बाद एक नई डील सामने आ रही है, मुझे लगता है कि वहां पर वाइंड अप होने के बाद हो सकता है कि नेटवर्क 18 में वो थोड़ा बहुत ध्यान आए, और नेटवर्क 18 में भी जो डील अभी पेंडिंग है वो भी आपको आने वाले दिनों में कंप्लीट होती हुई दिखाई देखने को मिल जाए। TV18 ब्रॉडकास्ट की बात करें तो वो भी शायद 35 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, आज 92 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार है, दोनों कंपनियों की टेक्निकल रेटिंग आप देख सकते हैं कि शानदार देखने को मिल रही है,
और तो और अगर हम देखें तो 98% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, 98% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, 1% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 1% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं, मतलब 99% लोग यहाँ पर पॉजिटिव है। उनका कहना है या तो खरीदारी करो या तो खरीदारी की है तो बने रहो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और अगर रेवेन्यू की बात की तो रेवेन्यू भी हमें भी तेजी आई, 140 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है मार्च क्वार्टर में। हालांकि पिछले क्वार्टर में 190 करोड़ था, लेकिन इससे पहले के जो क्वार्टर थे उसमें सिर्फ 36 करोड़, 11 करोड़, 20 करोड़ तक का मिनिमम प्रॉफिट हुआ करता था। अब वो प्रॉफिट भी बढ़ा है दोनों कंपनियों में और काफी बेहतर चीज है ये। और जो मर्जर को लेकर बातचीत चल रही है, उसके बाद जो नए नए इन्वेस्टमेंट को लेकर भी खबरें चल रही है, तो एक दमदार और एक पॉजिटिविटी वाली फीलिंग यहाँ पर जरूर आ रही है। प्रमोटर की बात करें, शेयर होल्डिंग में तो 60.40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएस अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है, 11.78% की होल्डिंग 13.06% तक पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग गिराई है, 4.45% की होल्डिंग 1.56% देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ नहीं डाला है। ये मार्च 2020 का डेटा है। मुझे लगता है कि जून में कई सारे फंड हाउसेस ने भी अपना पैसा यहाँ पर लगाया होगा। ओवरऑल दोनों ही कंपनी दमदार है, दोनों ही कंपनी की मर्जर को लेकर बातचीत चल रही है और दोनों ही कंपनी के पास मुकेश अंबानी जी का बैकबोन है। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। रिस्की कंपनियां जरूर है, लेकिन अगर डील्स जो टेबल पर है अगर वो हो गई तो याद रखिए इसको भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरह रॉकेट बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो हर गिरावट पर आप चाहो तो खरीदारी कर सकते, लेकिन हाँ, एक इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर आपको अंधाधुन खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। याद रखिए किसी भी शेयर में खरीदारी करो, मार्केट अनस्टेबल है, तो एक साथ सारा का सारा पैसा एक ही क्वांटिटी पर मत लगाइए। आप एसआईपी मोड में ही खरीदारी करें, जब जब गिरावट आए तब तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाओ और अपना पोर्टफोलियो को बढ़ाते जाइए। दोनों ही कंपनियां शानदार है फ्यूचर पर्सपेक्टिव से की अगर बात करें तो, और खरीदारी के लिहाज से भी काफी अच्छी कंपनी है ये। और अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके का इनका जो प्लान है, फ्यूचर प्लान है, वो मुझे काफी पसंद आ रहा है। और मुझे लगता है कि अगर मर्जर होता है तो काफी बड़ा फायदा हो सकता है सभी अगर जिन्होंने भी यहाँ पर खरीदारी की है तो, क्योंकि मर्जर के बाद उनका प्लान होगा नए प्लेयर्स को लेकर आना, अपना एंटरटेनमेंट सेगमेंट को बेचने की जो बातचीत चल रही है वो भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी एक बड़ा निवेश आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा आपसे, खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग कर सकते हो, बस शर्त सिर्फ इतनी है कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीदना। धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट में पैसा लगाते जाओ और पोर्टफोलियो यहाँ पर बढ़ा करते जाओ। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और नेटवर्क 18 और TV18 ब्रॉडकास्ट दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।